तो कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए आपने? 64। एक्यूरेसी कितनी होगी? एक्यूरेसी 61 या 62। अच्छा, लेवल कैसा लग रहा था? मतलब इजी था? लेवल इजी था बट टाइम मैनेजमेंट नहीं था। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा था। और किस टॉपिक से मैथ में परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस किस कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में सबसे ज़्यादा CISI से था, फिर परसेंटेज से भी था, मतलब CISI परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन था। और ये क्या कहता है, काम करने पे, जैसे ये आदमी मिलकर इतने दिन में काम किए हैं, उतने दिन में काम किए उसने। क्वेश्चन मत बताइएगा, बताइएगा जैसे ऐसा रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग वाली थी या फिर मतलब इजी टू मॉडरेट थी? क्या ले बता रीजनिंग का? इजी है बट टाइम ज़्यादा ले रही थी। टाइम ज़्यादा ले रही थी। जीएस का क्या पोजीशन था? जीएस में ये करंट अफेयर थोड़ा लेवल अप था, लेकिन मतलब करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट अफेयर के अप्रॉक्स 6 या 7 थे। 6 या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी बताइए हिंदी में, हिंदी तो ईजी आ रही है या सर? हिंदी ईजी था, हिंदी में लगभग 19 क्वेश्चन सबसे ईजी था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 72। एक्यूरेसी कितनी की थी? सारी ठीक है। मैथ के बारे में बताओगे, मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैथ इजी था। इजी था मैथ। और रीजनिंग के बारे में क्या था? रीजनिंग बहुत इजी थी। जीएस में जैसे करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन? जीएस में करंट अफेयर से वही आए थे नॉर्मली, वो भी इजी थे सारे। जैसे मैथ में अच्छा, मैथ में जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस, इतने कितने कितने क्वेश्चन आ रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस के 2 आए थे, परसेंटेज के भी 2 आए थे, मैथ के 2 आए थे, ऐसा ही एक आया था। कोई मतलब ज़्यादा लेवल हाई तो नहीं था मैथ का? ना, बहुत इजी था। कितना अटेम्प्ट किया? 60। 60। हाँ, एक्यूरेसी कितनी होगी? 85%। बहुत बढ़िया। मतलब लेवल क्या था एग्जाम का? मीडियम। मीडियम था। जैसे करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3। 3 क्वेश्चन है करंट अफेयर से। और मतलब मैथ में बता सकते हो मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सब अर्थमेटिक को बहुत बढ़िया लेवल को। मतलब मैथ का लेवल अगर बात करें तो कितना मतलब इजी था या मतलब? इंटरेस्ट के 3, टाइम एंड वर्क और वाके प्रॉफिट लॉस के। मैथ में कितने अटेम्प्ट किया मैथ के? 14। बहुत बढ़िया। रीजनिंग कैसी आ रही थी? बहुत बढ़िया। 20। हिंदी के बारे में बताओगे कुछ? 19। हिंदी में 19। बहुत बढ़िया। और आपने कितने किए? भैया ये मेरे भैया एग्जाम देगा यार बताएगा। हाँ ले लेंगे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हमने? कर दिए 65। एक्यूरेसी कितनी होगी? 35-30। अब ये बताइएगा मैथ का लेवल क्या था? मैथ का लेवल 10th क्लास के लेवल का था, मतलब इजी था। और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक के मतलब हार्ड आ रहे हैं या मतलब कैसे आ रहे हैं? हार्ड नहीं है, वो सिस्टम वही आ रही थी, सिस्टम नंबर सिस्टम से ज़्यादा आ रहे हैं। आप देखा यो? नहीं नहीं, मैं पेपर नहीं देता। पेपर देखा यो अभी? पेपर देखा यो? पेपर देखा अभी? आप देखा है पेपर? हाँ। कितने क्वेश्चन डाउट किए? कर दिया ऐसे लगभग 70-75। हाँ, मतलब मैथ का लेवल क्या था? मतलब मीडियम था। जीएस का मतलब बता सकते हैं कुछ? जीएस का क्या था? जीएस में भी मीडियम आया था, एकदम ठीक ठाक पेपर, बढ़िया हो गया। रीजनिंग में वैसे कोई ज़्यादा टफ तो नहीं लगी थी? रीजनिंग बिल्कुल शौकी थी। हाँ, मतलब तैयारी कहाँ से? ऑनलाइन कर रहे थे? ऑफलाइन की थी। कहाँ से की थी? यूट्यूब से, एग्जामपुर से। बहुत बढ़िया।